डांस क्लास ज्वाइन करने के बारे में बोला तो मुझे लगा कि नया फील्ड है, कहाँ तक पहुँचेगा, कि सफल होगा नहीं सफल होगा। ऐसा कभी हम लोगों में कोई किया नहीं है, परिवार में तो कभी डांस का चलन रहा नहीं है, किसी तरह का डांस हो। शुरू में तो हम ही सपोर्ट किए थे उसको ये डांस सिखाने के लिए। उसके फ्यूचर को लेकर अब मतलब ऐसा लगता है कि डांस में करियर बना लेगा वो? उम्मीद तो है, उम्मीद है, अब तो उम्मीद है, पर सब कुछ है। कल का था तब से डांस स्टार्ट किया, फुल फोर्स से स्टार्ट किया। अब 10 साल पहले कोई प्रोफेशनल नहीं था, अभी सभी प्रोफेशनल हैं, पैसों के लिए काम करते हैं। रियलिटी शो गया, रियलिटी शो एक बार ट्राई किया, देखा वहाँ कुछ भी रियल नहीं है, सिर्फ नाम रियलिटी शो है। बहुत लोग सोचते हैं कि जा रियलिटी शो में जाना है, पैसे कमाना है, नाम कमाना है, एक बार जाओ तब समझ में आएगा कि रियलिटी शो है क्या। वहाँ कुछ रियल नहीं होता है, सिर्फ नाम रियलिटी शो होता है। अभी 10 साल बीत गए, फैमिली भी पूछती है कि क्या है क्या नहीं है, अभी अपने पास पैसे कहाँ से आएंगे, हम लोगों ने पैसे कभी कमाए ही नहीं, पैसे हैं कहाँ हमारे पास। तो पैसे उनके पास है जिनके पास डांस नहीं है, 200 स्टूडेंट 300 स्टूडेंट सारे पैसे उन्हीं के पास, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास पैसे आएंगे कहाँ से। अभी हमसे क्या है कि कोई कुछ पूछने भी नहीं आता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, कोई जानता कौन, हम लोग भीड़ में हैं, भीड़ में कोई नहीं जानता है। थैंक्स टू इंडिया डांस लीग आर्टिस्ट जिन्होंने हम लोग जैसे डांसर्स से आके बातें की और हमारे दिल में जो भी है हम लोगों ने उनसे शेयर किया, मैंने भी किया मेरे दिल में जो भी है। थैंक्स टू ऑल टीम मेंबर्स ऑफ इंडिया डांस लीग एंड आर्टिस्ट स्टेज, थैंक यू सो मच।